हेलो फ्रेंड्स, कुरेश किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ी व्यंजन बोबरा बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने लिया है, 1 कप हमने लिया है गेहूं का आटा, 1/4 कप लेंगे चावल का आटा, 1/2 कप लेंगे हम पिसी हुई चीनी, 1 कप हमने लिया है दूध, इसे हमने अच्छे से गर्म करके ठंडा करके रूम टेम्परेचर में लिया है, 1 बड़ा चम्मच लेंगे घी, इसमें हम डाल रहे हैं बेकिंग सोडा 1 पिंच, साथ ही हमें चाहिए 1/2 कप पानी। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम तेल चढ़ा लेंगे। तेल हमने अभी मीडियम फ्लेम पे गर्म करने रख लिया है, जब तक हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले सभी सूखी चीज़ों को मिला लेंगे। तो हम सबसे पहले एक बाउल में डाल लेंगे गेहूं का आटा, साथ ही हम डाल लेंगे चावल का आटा, बेकिंग सोडा डाल लेंगे, ये हमने लिया पीसी हुई चीनी। सभी चीज़ों को पहले सूखे में मिला लेंगे। अब इसमें जो हमने दूध लिया है वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक बार में आधा ही दूध डालेंगे और फेंट लेंगे, फिर से आधा दूध डाल देंगे और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। इसमें जो हमने 1/2 कप पानी लिया था वो भी डाल देंगे। अब डाल के इसे हम अच्छे से फेंट के थिक बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हमने तैयार कर लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरीके की होनी चाहिए। चीनी की मिठास आप चेक कर सकते हैं इस समय पर, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप डाल सकते हैं। इसमें हम डाल लेंगे घी, घी डाल के इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर चाहिए और टेस्ट के लिए, इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच सौंफ डाल सकते हैं। हम इसे प्लेन तरीके से बना रहे हैं। तो ये हमारा बोपरे का बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। जिस तरीके से मालपुआ बनाया जाता है उसी तरीके से इसे हमें बनाना है। इसके लिए हम इस तरीके के चम्मच का यूज़ करेंगे और तेल को हम हाई फ्लेम पर कर लेंगे। तेल को हमने हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है। अब भोपरा डालते समय इसे हम गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसमें हम धीरे से डालेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच इस तरीके से और इसे हम सेंटर में डालेंगे और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे हम पकने देंगे। जैसे ये फूलने लगेगा तो इसे हम धीरे से पलट लेंगे। अब इसे पलट लेंगे धीरे से इस तरीके से, दोनों ही तरफ से हम अच्छे से इसे हम सिझा लेंगे। बोबरा बन के तैयार हो चुका है, इसे निकाल लेंगे, जाली वाले चम्मच से निकाल लेंगे। हम इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है हम इस तरीके से निकाल लें। इसके बाद हम इसे इस तरीके से पेपर में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारे बोबरा बना के तैयार कर लेंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा डाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से, फ्लेम आप लो मीडियम रखेंगे। इसे भी हमने पलट लिया था और ये भी बन के तैयार हो गया। इसे निकाल लेंगे, हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल आए। इस तरीके से 2 चम्मच के बीच में रख के और सभी को हम इस तरीके से किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। सारे हम इसी तरीके से बना के रेडी कर लेंगे। बोबरा तैयार है। 1 कप हमने आटा लिया था, इसमें हम 8 से 10 पीस तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। इसे आप 1 दिन बाहर रख के उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख के 2 से 3 दिन हम खा सकते हैं। इस तरीके से बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।